डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस प्रकार से इस रॉ को हाइप किया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिलीवर किया। और वे आज आए थे अपने जॉन सीना रिटर्न, और भाई उन्होंने भी किया मंडे नाइट रॉ को ओपन। और भाई अपने गोल्डबर्ग एंड कीथ ली भी आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पर वापस। तो भाई ये दोनों ने क्या अपना मेन रोस्टर पर रिटर्न, और भाई कैरी क्रॉस ने भी किया है आज अपना रॉ का फर्स्ट टाइम डेब्यू। और गाइस वो भी आ रहे अपने फर्स्ट डेब्यू मैच, एंड अपने मेन इवेंट के अंदर हुआ है विमेंस का मनी इन द बैंक कैश, और हमें मिल गई है न्यू रॉ विमेंस चैंपियन। इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर तो फॉर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखने करते वीडियो को शुरू करते। और भाई सबसे पहले अपने आते हैं जॉन सीना, और भाई जॉन सीना एकदम भाई आते भाई फैंस काफी तगड़ा रिएक्ट करते, और भाई जॉन सीना आते, और भाई जॉन सीना यहाँ पर से एक बात का आंसर देने को आए थे, वो क्यों आए। और भाई यहाँ पर से वो जो है पहले तो फैंस जैसे आते हैं वो यहाँ पर से सभी का वेलकम करते हुए दिखाई देते, और भाई सभी जो है जॉन सीना के फैंस वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और भाई हमें एंगल देखते हैं कि भाई जॉन सीना जो है सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं कल जो मैंने इसके सामने उन्होंने किया था, बट हमें क्या एंगल दिखाई देता है कि उसकी वजह से जॉन सीना बोल रहे होते हैं। हमें ये एंगल देखते हैं कि हमारे आते हैं रिडल, और भाई रिडल आने के बाद उसके बाद हमें दिखाई देते कि उनके बीच कन्फ्रंट होती है, रिडल अपने वही भाषा कहते हैं। और भाई उसके बाद नेक्स्ट हमें इन सभी के मध्य टैग टीम मैच दिखाई देता है, बट जॉन सीना पार्ट नहीं होते। जहाँ पे स्टिल मैच चल रहा था अपने रिडल एंड वाइकिंग रेडर्स फेस कर रहे थे एज स्टाइल्स ऑमस एंड जॉन मॉरिसन का, और भाई सिक्स मैन टैग टीम मैच था। और भाई ये मैच स्टार्ट होता है, और भाई पहले ही रॉ का ये जो है मैच था, और भाई रॉ के अंदर लाइफ ऐसे थे आपको रिजल्ट जानना है। तो मैच के एंडिंग के अंदर ही अपने वाइकिंग रेडर्स एंड रिडल की टीम है वो इस मैच के अंदर एज स्टाइल्स ऑमस एंड जो जॉन मॉरिसन उनको टीम को हराते हुए दिखाई देती है, और ये इस मैच के अंदर विजय होते हैं। नेक्स्ट हमें लास्ट का सेगमेंट दिखाई देता है जो कि अपना गाना बजाते हैं, और भाई पीछे से हमें जो लेस को मतलब क्राउड की ओर से रिएक्शंस भी मिलते हैं। बट उसके बाद हमें मैच दिखाया जाता है जो ये होता है लास्ट में सेक्शन ड्राइवर का, और भाई जो ड्रम्स वगैरह के इक्विपमेंट्स होते हैं म्यूजिक इक्विपमेंट्स उसके तहत ये जो है मैच, और भाई सारा जो है आपस में स्टार्ट होता है ये मैच। और भाई मैच अच्छा होता है, बट मैच की जो एंडिंग होती है वो आपसे दो टेबल के ऊपर हमें जो है दिखाई देती है, और भाई दोनों सुप्लेस ला देते हैं, और भाई जिसके तहत दोनों जो है दो टेबल के अंदर बढ़ जाती है। बट नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर आती है रॉ के अंदर, और भाई शार्लेट फ्लेयर कहती है कि भाई उनकी जो है रॉ वुमेन्स चैंपियन हो गई। इसके बाद हमें दिखता है कि भाई शार्लेट फ्लेयर कुछ कहती है, और भाई रिया रिप्ली आ जाती है, रिया रिप्ली जो है उनको कन्फ्रंट करती है, और भाई इनके बीच जो हमें एक छोटी सी ब्रॉल दिखती है, और भाई शार्लेट फ्लेयर वहाँ पर से हमें निकलते हुए दिखा देती है, और भाई शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर से रिया रिप्ली को मारती है, और भाई शार्लेट फ्लेयर के बाद वहाँ पर जो है एडम पीअर्स सोनिया डब्ल्यू हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट शो के ऊपर आता है वो आता है इस बार वुमेन्स कोर्स से मैच, जहाँ पर से नटैली एंड टमीना फेस करती है हमें इस बार शीना बेज़लर एंड नाया जैक्स का, जो कि एक टैग टीम मैच था। और भाई मैच के अंदर हमें ये एंगल दिखते हैं कि भाई जो एंडिंग के अंदर है जो कि इस बार मैच ही सिंगल्स मैच, तो इतना भी कुछ इस मैच के अंदर था नहीं, बट जो मैच का एंड था उस मैच के अंदर विमेंस की टैग टीम चैंपियन नटाली एंड टमीना के पक्ष में चला गया, और नटाली एंड टमीना ने मैच के अंदर जीत हासिल की। बट जो रेजिनल्ड है उनको यहाँ पर से नायास ने धक्का दिया, और भाई रेजिनल को जो है नायास को रेजिनल नहीं पसंद आ रहे। बट इसके बाद हमें दिखा देते कि भाई अकीरा टोजा वहाँ पर होते हैं अपने आर टू जो है नहीं होते अपने जो हमारे जो रेजिनल है वो पिन कर डालते हैं, और भाई वो बन जाते हैं नए 24/7 चैंपियन। नेक्स्ट शो पर हमें इसके बाद दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है अपने शेमस का मैच, जो कि फेस करते हैं इस बार अपने बर्थो करियो को, और भाई शेमस वर्सेस उम्बर्टो के बीच एक मैच स्टार्ट होता है। और भाई मैच के अंदर जो अपने शेमस जो है डोमिनेंस अच्छे दिखा रहे होते हैं, बेस्ट से ये जो सारा मैच देख रहे थे अपने डेमियन प्रीस्ट। मैच की एंडिंग की बात रही थी तो मैच के एंडिंग के अंदर अपने जो शेमस है वो लगा देते हैं ब्रो के, और भाई कर देते हैं उम्बर्टो का काम तमाम, और भाई मैच के अंदर वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट दिखा देता है वो काफी इंटरेस्टिंग था जो कि था अपने ऑल माइटी WWE चैंपियन का सेगमेंट, और भाई बॉबी लैशली आते हैं, बॉबी लैशली कहते हैं MVP कहते कि अब उसके लिए कोई भी चैलेंजर बचे नहीं, और गाइस यहाँ पर से हमें ये एंगल देखते हैं कि तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है अपने दी लिमिटलेस कीथ ली का, और भाई कीथ ली आए थे आज शो पर रिटर्न, काफी तरह को जो फैंस की ओर से रिएक्शन मिला। और भाई यहाँ पर से जैसे अपने कीथ ली आते हैं फैंस काफी खुश होते हैं, और भाई इसके तहत हमें मैच दिखा देते हैं जहाँ पर से कीथ ली वर्सेस बॉबी लैशली बीच एक मैच स्टार्ट होता है। और भाई मैच काफ़ी अच्छा था, दोनों हैवी वेट्स के पीछे काफ़ी तगड़ा मैच था, और भाई कीथ ली एंड बॉबी लैशली की तो भाई हम पावर के कंपैरिजन ही क्या करें, मैच के अंदर अपने कीथ ली भी डोमिनेट करते हैं, बट जो बॉबी लैशली वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गर फील करते हैं, हॉट लॉक तो भाई बॉबी लैशली लगा ही नहीं पाते, बट एंडिंग के अंदर एक स्पीयर से काम तमाम कर देते हैं, और भाई स्पीयर लगा कर वो जीत जाते हैं। बट उसी सेम टाइम पर थीम सॉन्ग ले आते हैं अपने गोल्डबर्ग का, जो कि एक्चुअली आने वाला है जाजरा पर, और भाई गोल्डबर्ग का थीम सॉन्ग ले होता है, और भाई गोल्डबर्ग आते हैं, गोल्डबर्ग लेते हैं माइक और जाते हैं बॉबी लैशली के पास, और भाई कहते हैं
आई एम नेक्स्ट। तो भाई यहाँ पर से जो गोल्डबर्ग और दिस बॉबी लैशली है वो यहाँ पर से सेटल, मतलब 100% ऑफिशियली आप इसे मान सकते हैं। और भाई अपनी जो गोल्डबर्ग है उन्होंने आकर अब फाइनली कर दिया है चैलेंज, जो कि हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। और भाई जो 100% श्योर ही बात है गोल्डबर्ग और दिस बॉबी लैशली के बीच एक मैच होना है, तो अब ये हो चुका है कन्फर्म। बट जो हमें नेक्स्ट इसके बाद इंटरेस्टिंग से ऊपर दिखाई देता है वो दिखाई देता है अपने जिंदर महल का बर्थडे सेलिब्रेशन, जहाँ पर वीरेन सिंह की उनके लिए जो है बर्थडे के लिए बोल रहे होते हैं। बट पीछे से उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं अपने मॉडर्न डे महाराजा के ऊपर अपने ड्रू मैकेंटायर स्टील चेयर से मारते हैं वीरेन सिंह की, वापस से जाते हैं मतलब वीर जाते हैं। बट जो सिंह को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और भाई यहाँ पर से जो उनको हमें जो है बहुत ज़्यादा पीटते हुए दिखाते थे स्टील चेयर से, और भाई ड्रू मैकेंटायर काफ़ी गुस्से के अंदर होते हैं। बट जो जिंदर महल है वो यहाँ पर से किसी प्रकार से निकल लेते हैं, और भाई यहाँ पर से जो सारा का सारा मतलब ड्रू मैकेंटायर का गुस्सा तो यहाँ पर से निकलते हमें दिखा देते हैं। और भाई ड्रू मैकेंटायर ने काफ़ी तगड़ा अलग सा फेस बनाया था, और भाई ड्रू मैकेंटायर को काफ़ी अच्छा फैंस का रिएक्शन भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर मिल रहा था। और भाई जो आज ड्रू मैकेंटायर ने हालत की है ना भाई काफ़ी बुरी तरीके से भाई मारा है ड्रू मैकेंटायर ने वीरेन सिंह को। बट इसके बाद हमें जो नेक्स्ट शो पर हमें दिखाई देता है सेगमेंट जो कि होता है मेन इवेंट से पहले जो कि होता है अपने कैरियन क्रॉस का शो पर डेब्यू, जो कि आते हैं और भाई कैरियन क्रॉस फेस करते हैं इस बार जेफ हार्डी को। मैच होता है और भाई मैच के अंदर अपने जो कैरियन क्रॉस है वो एनएक्सटी चैंपियनशिप उनके पास से लग रहा था सभी को कैरियन क्रॉस आएंगे जेफ हार्डी का बुरा हाल कर देंगे जीत जाएंगे। बट सीन कुछ कर देते उलट पुलट अपने जेफ हार्डी, और भाई जेफ हार्डी करते हैं रोल अप, और भाई रोल अप को नहीं तोड़ पाते कैरियन क्रॉस। और भाई जो अपने जेफ हार्डी है वो इस बार रोल अप के जरिए हरा देते हैं कैरियन क्रॉस को, जो कि भाई सरप्राइज मोमेंट रहा पूरे रॉक। और भाई कैरियन क्रॉस एनएक्सटी चैंपियन होकर अपना डेब्यू कर रहे थे इतने डोमिनेट चैंपियन, बट आज उनको मंडे नाइट रॉक के ऊपर हार मिली। वैसे थोड़ी सी बुरी भी चीज़ है बट जेफ हार्डी के लिए भी सही चीज़ हुई, क्योंकि जेफ हार्डी को WWE जेफ थोड़ा बहुत पुश देने लगी है। बट ये चीज़ एक वेल इंटरेस्टिंग थी। बट नेक्स्ट मैच से दिखाया जाता है एलेक्सा ब्लिस एंड लेली का सेगमेंट, जो कि प्लेग्राउंड होता है, और भाई यहाँ पर से वो बात कर रही होती है, पीछे से ड्यू ड्रॉप एंड ईवा मरी आ जाती है, और एलेक्सा ब्लिस ड्यू ड्रॉप को हाई करती है, बट ईवा मरी को ऐसा कर रही है कि भाई उसको देख ही नहीं रहा। और भाई इसके बाद जो है वो यहाँ पर से सारी बातें कहती है कि भाई, और एलेक्सा ब्लिस भी कहती है क्या इवोल्यूशन ये फिलहाल चल रहा है। और भाई यहाँ पर से जो है हम ये एंगल देखते हैं कि भाई जो है ड्यू ड्रॉप उनके साथ बोलती है, बट जो इवा अमरी उनको बोलने को नहीं देती। और भाई यहाँ पर से वो निकल जाती है, निकलते निकलते गिर जाती है इवा अमरी, और भाई यहाँ पर से एलेक्सा ब्लिस हंसती रहती है। बट मेन इवेंट की बात करें जो कि उसका शो का था, जो था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का रीमैच, जो सभी की इस मैच के ऊपर निगाह गड़ी हुई थी। और भाई मैच के अंदर में भी काफी भाई इंटेंसिटी मैच देख रहा था, मैच अच्छा होता अभी जिसने हमने कल पेपर व्यू के अंदर देखा था वो मैच अच्छा था। बट मैच के एंडिंग की बात रही तो भाई शार्लेट फ्लेयर को ही लगता है फिगर फोर, बट शार्लेट फ्लेयर कर देती है अपने आप को खुद से डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर हो जाती है। रिया रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर रिंग साइड पर लड़ रही होती है, और भाई उसी के साथ ही रिप्ले का लेते हैं रिपटाइड थीम सॉन्ग प्ले होता है निकी एश का, और भाई निकी एश आती है मनी द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर सभी फैंस काफी अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे निकी क्रॉस आती है वो अपना मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लेती है, और भाई बेल बज जाती है, और भाई वो एक स्प्लैश लगा देती है, और भाई 1, 2 एंड 3 न्यू प्रॉब्लम चैंपियन हमें निकी एश बनती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी अच्छा सेगमेंट था। और भाई अब निकी एश बन चुकी है न्यू प्रॉब्लम चैंपियन, तो आपको कह रही है इस मंडे नाइट रॉ के ऊपर फ्रेश के रॉक के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। बढ़ती आज की हमारी वीडियो बस यही तक, अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद है तो वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हो, आप इवन चैनल को भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कौन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।